ये भारत जैसे करप्शन वाले पॉलिटिक्स में नितिन गडकरी जैसे मंत्री जन्म नहीं लिए हैं, अवतार लिए हैं। वो इतना बेहतरीन काम करते हैं, हम तो कहते हैं कि सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, आम आदमी की, किसी की रहे, सड़क विभाग उन्हीं को दे दो भाई, जब भी रहो उनको। इतना बेहतरीन काम किए, 50 लाख करोड़ की सड़क बनाने के बावजूद वो इंसान कहता है कि आपको अगर इसमें कहीं घोटाले रखते हैं तो आप बताइए, उजागर कीजिए। सड़क पे एक बार NHAI उन्हीं के अंडर में है आपका रेलवे, ये सड़क विभाग, सड़क बन के तैयार हुआ तो इंस्पेक्शन के लिए मंत्री जाते हैं, बिहार में पता नहीं जाता है सबके लिए वहां पे। अब समझिए ध्यान से, तो गए गाड़ी में बैठ के, सड़क बना था तो उसके उद्घाटन से पहले गए देखने कि कैसा है। कप में चाय निकाले और गाड़ी में रखे अपने कार में, और कहें कि चाय अगर छलक के गिर गया तो नौकरी खत्म कर देंगे हम यहाँ पे। अब वो पूरा भर रास्ता है, गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही थी, और कहें कि जो सड़क बनाया है ना तुम यहाँ पे, बहुत महंगी सड़क थी, 20 हजार करोड़ के आसपास की सड़क थी वहाँ। बेचारा परेशान हो गया, वो पसीना पसीना, गाड़ी में AC चल रहा था, पसीना पसीना हो रहा है, आदमी ठीक नहीं है यहाँ पर। ऐसा ही मंत्री होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर सड़क में कमी आएगी तो बुलडोजर के नीचे ठेकेदार को डाल देंगे हम। उनका खुद जब सड़क बन रहा था ना नागपुर में, उनके ससुराल उसके घर के सामने सड़क में आ गया, बिना ससुराल को बोले बुलडोजर चलवा दिए थे, पत्नी से झगड़ा भी हो गया था कि आप अगर बोलते तो, उन्होंने उनका कहना था कि आप बोलते तो हम इस सड़कवा खाली करा देते मकान पहले। तो उन्होंने कहा था कि जब हम अपने ड्यूटी पे बैठते हैं तो उस समय हम देश के कैबिनेट मंत्री हैं, किसी के दामाद नहीं। तो ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभी इस भारत के डर्टी पॉलिटिक्स में हम लोग को कभी कभी कोई अवतरित रूप भी देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से हम जल्दी किसी की तारीफ खास करके पॉलिटिकल सेक्टर में नहीं करते, क्योंकि इधर का उधर एक परसेप्शन लोग सोच लेते हैं, जो लेकिन जो सही है उसे आप सही नहीं कहेंगे तो उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा, हरामी को गरियाएंगे नहीं तो उसका मनोबल नहीं गिरेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये दोनों आपको समझना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस धरती को राक्षसों से उतनी हानि नहीं पहुंची जितने महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया। तो अच्छे लोगों का चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है, और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं उनसे ज्यादा लीला कौन जानता है। तो बताओ भाई ध्यान से, हाँ, उनसे बड़का खेला कोई कराएगा? महाभारत में बड़का खेला होगी लो, एक से एक